सॉरी नेशनल इनकम, ठीक है, नेशनल इनकम क्या होती है? पूरे वर्ल्ड की तो इनकम हमारी इंडिया के अंदर प्राइमरी सेक्टर प्लस सेकेंडरी सेक्टर प्लस टर्शियरी सेक्टर, तीन सेक्टर होते हैं। इन तीनों सेक्टर्स में सैकड़ों करोड़ों लोग काम कर रहे हैं। उन सारे लोगों की इनकम जो इंडिया में बनी उसको टोटल कर दो तो क्या बन जाती है? नेशनल इनकम। ये बड़े बेसिक फॉर्म में बताया मैंने। इस नेशनल इनकम में बड़ी सारी चीजें आती हैं। सबसे पहली चीज जो आपको इसके अंदर लानी है वो है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब हमने रॉ मटेरियल लिया और उससे कुछ बनाया और हमने उसको फिर बेचा। आपकी इनकम कहां से आएगी? तो हमने सेल किया, जब सेल करोगे, सेल करोगे आपकी इनकम आएगी। आप अपनी फैक्ट्री में रहने वाले वर्कर को पैसा दोगे, वो बाजार में जाके सामान खरीदेगा, हमारी इकोनॉमी एक सर्कल में घूमेगा। तो इसलिए सबसे पहली चीज है प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन को जीडीपी में कन्वर्ट कैसे करना है, इसके लिए कुछ फॉर्मूले हैं, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला फॉर्मूला है आपका जीबीओ एट एनपी। इसकी फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस वैल्यू एमपी के मार्केट प्राइस, ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट, ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट एट यानी मार्केट प्राइस। जो एट मार्केट प्राइस आपने अपनी फैक्ट्री में जो प्रोड्यूस करा यानी आउटपुट करी उसकी वैल्यू, ठीक है। कैसे निकलती है ये वैल्यू? सासा नोट भी करते जाओ। हम इसको निकालने के लिए बोलते हैं कि सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स प्लस चेंज चेंज इन इन स्टॉक। सेल्स क्या होती है? मैंने प्रोडक्शन करी और उसको बेचा। स्टॉक सेल में दो चीजें आ सकती हैं, डोमेस्टिक सेल्स प्लस दूसरा आता है एक्सपोर्ट्स, ठीक है। हम जब आगे क्वेश्चन करेंगे तो कई बार क्वेश्चन में सेल्स वर्ड होता है तो हम मानते हैं ये दोनों चीजें उसमें इंक्लूड है। और अगर हमने कभी क्वेश्चन देखा उसमें डोमेस्टिक सेल अलग है और एक्सपोर्ट अलग है तो आपने दोनों को ऐड करना है, ठीक प्लस है। अगर किसी क्वेश्चन में सेल्स है और एक्सपोर्ट भी है फिर माइनस हो जाएगा। इग्नोर, सेल्स का यस, लिखेंगे खाली सेल्स लिखेंगे और इसको बोलेंगे कि वी एज्यूम इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन सेल्स सो वी विल नॉट एड इट, ठीक है। ये पता चल गया। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है चेंज इन स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, बेटे? क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग होता स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। हाँ, ये होता क्या है? पिछले साल मैंने बड़ा सारा सामान बनाया, उसमें से बड़ा सारा तो बिक गया, कुछ रह गया वो था मेरा क्लोजिंग, ठीक है, पिछले साल का क्लोजिंग। इस साल अप्रैल में हमारा नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है। मैंने जब फाइनेंशियल ईयर शुरू किया तो पिछले साल वाला जो क्लोजिंग था वो आज का क्या बन गया? ओपनिंग। यानी इस साल की शुरुआत में ये मेरा था ओपनिंग स्टॉक, ये बात क्लियर। और इस साल के एंड में जो सामान बिकने से रह जाएगा तो इस साल का क्लोजिंग माइनस इसी साल का ओपनिंग तो क्या बन जाएगा वो? ओके, अब मेरा क्वेश्चन आपसे, चेंज इन स्टॉक पॉजिटिव कब होगा? चेंज इन स्टॉक पॉजिटिव में तब आएगा जब क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होगा, क्योंकि ये बड़ी आइटम है ये पॉजिटिव रहेगी, छोटी आइटम माइनस में आ जाएगी वो इसमें से कट जाएगी, तो एंड का जो बचेगा वो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव बस चेंज इन स्टॉक नेगेटिव कब होगा? जब माल कम बचेगा और हाँ, ओपनिंग ये कम बचा, बढ़ा और ओपनिंग ज्यादा था तो माइनस वाली चीज ज्यादा हो गई तो यहाँ क्लोजिंग स्टॉक माइनस में आएगा। साइन वैसे क्या है? प्लस का, प्लस लेकिन अगर ये ज्यादा हो गया तो ये साइन चेंज साइन होगा माइनस माइनस हो माइनस जाएगा, है? लिख लो इसको। आ रही है लो, लिख लिया, चलिए आगे। अब हमने इस
एक नई आइटम निकालनी है, ग्रॉस वैल्यू एडिट। अब ये वर्ड जो है एडिट, ये क्या बताना चाह रहा है? पहले मैंने निकाला जीवीओ, ग्रॉस वैल्यू आउटपुट, भैया जो प्रोडक्शन करी वो। लेकिन ये कहता है कि जितनी आपने प्रोडक्शन करी वो सारी की सारी प्रोडक्शन का श्रेय आपको नहीं जाता है। फिर किसको जाता है? वो श्रेय उस बंदे को भी जा रहा है जिसने मुझे रॉ मटेरियल दिया था। तो यानी उसने मेरे को जितनी वैल्यू का रॉ मटेरियल दिया वो मुझे माइनस करना पड़ेगा, तब ये पता चलेगा मैंने क्या करा। एक एग्जांपल देता हूं इसका। फार्मर ने वीट उगाया, ₹1,000 का इसने वीट उगाया, एक मिल वाले ने इससे वीट खरीद लिया, मिल वाला जो है वो गया खेत में, फार्मर को बोला सर आपका सारा वीट मुझे चाहिए, ले लिया। इस मिलर ने क्या करा? इसे वीट फ्लोर बनाया, आटा। अब आप मुझे बताओ, ये जो मिलर है ₹1,000 का गेहूं लेकर आ रहा है, लेबर मशीनरी अपनी जमीन उस पर लगा रहा है, खर्च कर रहा है और आटा बना रहा है, कितने का बेचेगा? ₹1,000 ज्यादा का बेचेगा। तो हमने मान लिया इसने ₹1,700 का ही बेचा, ₹1,500 कुछ भी, एक नॉर्मल एग्जांपल है, रियल वर्ल्ड से रिलेटेड नहीं है। रियल वर्ल्ड में ये फिगर्स चेंज हो सकती है, प्रोसेस वही रहता है, फिगर चेंज होगी। मिलन ने फ्लर बनाया, एक बेकरी वाले ने इससे ये फ्लर खरीदा और क्या बनाया उसने? बिस्किट। ये भी अपनी बेकरी की मशीनरी लेबर लगा रहा है, तो ये क्या 1700 का आटा लेकर 1700 के बिस्किट बेचेगा? 2000, ये भी 2000, 1200, 2500 कुछ कर देगा। अब इसके बाद ये बिस्किट कॉन्फेक्शनर ने खरीदे, बेकरी से कॉन्फेक्शनर पे आए, जो हमारे आसपास दुकानें होती हैं, और उस दुकान ने इसका एक गिफ्ट पैक बनाया और जो गिफ्ट पैक कस्टमर को दिया जा रहा है। अब ये बिस्किट इससे इसने 2500 के लिए, तो गिफ्ट पैक कितने का बेचेगा? 3000, शायद 3000। तो अब आप क्या ये देख रहे हैं, चीज कितने की थी? 1000 की। इसने उस पर कुछ काम करा तो कितना बना दिया? 1700। इस 1700 के बनाने में रॉ मटेरियल कितना था? मशीनरी यानी इकोनॉमी में एक्स्ट्रा पैसे कितने निकाले गए? 700, जो लोगों की जेब से निकले। अब 1700 का इसको दिया 2500, इसने कितना एक्स्ट्रा पैसे कमाए? 800। इसने इसको दिया, इसने 300 का बेचा, इसने कितने कमाए? तो ये जो चीजें आपको नजर आ रही हैं, इन सबको कहते हैं वैल्यू एडिट, क्योंकि आपने एक प्रोडक्ट लेकर उसकी इज्जत बनाई, उसकी कुछ ऐसी फॉर्म बनाई जो लोगों को पसंद आती है, और वो उसके एक्स्ट्रा पैसे आपको देने को तैयार रहते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये ₹1,000 भी यहां पर आएगा, क्योंकि पहली सेल तो यहीं से हुई थी। 1000 के बाद जो भी वैल्यू एड हुई वो इसमें जुड़ता चला गया। आप इसका टोटल करिए, इसके बराबर होना चाहिए हमेशा। 1000, 8 और 7 होता है 1500, 15 और 5 2000, और 1000 3000। तो असली में कितनी वैल्यू ऐड हुई है? 3000। समझ आ गई? और हर स्टेज पर जो वैल्यू ऐड हुई है वो हमने ये ली थी, राइट? तो अब आप यहां से बताइए, हर स्टेज पर वैल्यू ऐड कितनी हुई है, इसको निकालने के लिए क्या चीज माइनस कर रहे थे? स्टार्टिंग की वैल्यू, रॉ मटेरियल। फ्लर जिसने आटा बनाया उसके लिए रॉ मटेरियल क्या था? वीट। तो वीट की वैल्यू ऐड माइनस कर दी। स्टार्टिंग की वैल्यू बोल दिया। स्टार्टिंग हर लेवल पर ना, हर लेवल पर चल रहा है, स्टार्टिंग ही बोल सकते। अच्छा। बिस्किट वाले ने कौन सी वैल्यू माइनस करी? अगले पहले लेवल वाली, तो ये रॉ मटेरियल था। इसने क्या माइनस कर दी? ये वाली, ये रॉ मटेरियल था।
तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ वो क्या बनेगा, GBO at MP माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। समझ आ गई बात, जितना मैंने सेल करी और जितना चेंज इन स्टॉक था वो इसमें आ गया, और इसमें से रॉ मटेरियल की कॉस्ट को माइनस कर दूंगा तो मेरा ये वाला हिसाब बन जाएगा। तो आपका निकल आएगा GBA at MP, ठीक है। इसको फटाफट नोट करो, फिर मैं ये मिटाकर अगला फॉर्मूला बताता हूं। जल्दी करो, हाँ एग्जाम्पल भी लिखो, मिटा दूंगा भी मैं इसको। चलो इसको मिटा दूं, चलो अब आगे देखते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज, आपने क्या निकाला, जीबीए ग्रॉस वैल्यू एडिट, जीबीए। अब अगर मैं जीबीए एमपी ऑफ प्राइमरी सेक्टर प्लस ऑफ सेकेंडरी सेक्टर प्लस टर्जरी सेक्टर, अगर मैं इन तीनों को ऐड कर देता हूं तो ये कहलाती है जीडीपी एट एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। मान लो किसी क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक फॉर्म दी हुई है तो उसकी जो जीबीए निकालोगे इट इज इक्वल टू जीडीपी। एक तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, जीबीए एमपी ऑफ, ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे एग्जाम में, फॉर्म ए प्लस फॉर्म बी प्लस फॉर्म सी इज इक्वल टू जीडीपी एमपी। आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, वो बोलेंगे भैया टेबल दिया हुआ है, उस टेबल में फर्म ए की जीबीए निकालिए, बी की निकाल दीजिए, सी की निकाल दीजिए और इकोनॉमी की जीडीपी भी निकाल के दिखाओ। तो आपने इन तीनों की जीबीए निकाल के जोड़ देनी है तो कंबाइंड क्या बन जाएगी, वो जीडीपी। इस जीडीपी के बाद फिर आगे के फॉर्मूले लगेंगे ताकि नेशनल इनकम निकालें, वो मैं आपको अब कराऊंगा। ये चीज क्लियर हो गई, एक सेकंड हां नोट करो। बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हमने अगले वाले करने हैं, ओके नोट। बिठा दूं, हां जी। आप तो भाई देख नहीं रहा, चश्मा नहीं लगा आज, चश्मा नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा, समझ में आ गया। चले चले चले, अब बड़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको मैं दे रहा हूं, आपने अब तक कौन सी स्टेज पकड़ ली है, अगर क्वेश्चन आ जाए आपको जीडीपी निकालना आ गया। अब हमारे पास तीन सबसे बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इन तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों के ऊपर हमारी नेशनल इनकम टिकी हुई है, ये नेशनल इनकम का बेस है, ठीक है। अभी मैं ऐसे और भी बड़े बड़े फॉर्मूले कराऊंगा,
लेकिन हर तरह के क्वेश्चन में ये तीन फॉर्मूले तो कहीं ना कहीं से यूज हो ही जाएंगे, ये बेस है। सबसे पहला फॉर्मूला इसका लिखना है आपको, अगर ग्रॉस से नेट जाना हो, मान लीजिए मैं यहां पर लिखता हूं ग्रॉस प्रोडक्ट, मान लीजिए ग्रॉस प्रोडक्ट, ग्रॉस से आता है नेट प्रोडक्ट, ठीक है। ग्रॉस से नेट जाने के लिए क्या करना है, इसका आप सीक्रेट लिखोगे माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। ये तो सर कर दिया, हाँ कोई बात नहीं, आज अब इसको बेस बनाकर फिर हम अभी के क्वेश्चन करेंगे। तो पहला फॉर्मूला है ग्रॉस प्रोडक्ट, या कुछ भी लिखा हो, ग्रॉस प्रोडक्ट लिखा हो सकता है, ग्रॉस इनकम लिखी हो सकती है, ग्रॉस से नेट जाना हो, ठीक है। और जो मैं आपको फॉर्मूले कराऊंगा, जैसे हमने ये लिखा है जीडीपी, इसमें जो जी है इसका क्या मतलब है, ग्रॉस, ठीक है। तो ये जो ग्रॉस है ये फर्स्ट करेक्टर के लिए है, तो नेट कहां पर आएगा, फर्स्ट करेक्टर, यानी अगर मैं इसको चेंज कर दूंगा तो ये बन जाएगा एनडीपी। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, एन डी पी एट एम पी इक्वल्स टू जी डी पी एट एम पी माइनस डेप। ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, अभी मैं ये वाले फॉर्मूले कराऊंगा, पहला क्लियर हो गया। सेकेंड होता है मेरा देखो जी, सेकेंड है डोमेस्टिक से नेशनल। डोमेस्टिक का मतलब पहले समझाया था आपको मैंने, हमारे देश की बाउंड्री में जो कुछ हो रहा है। नेशनल का मतलब है मेरे देश के लोग जो हिंदुस्तान से बाहर रहकर भी काम कर रहे हैं, वो वहां से पैसा यहाँ पर भेजते हैं, या उनकी इनकम को मैं ऐड करता हूं तो बन जाता है नेशनल। इसको करने के लिए हम जीडीपी एंड एमपी, मान लो एग्जाम्पल में लिखा हमने, एग्जाम्पल मैं ये वाला लेता हूं, हमने ये लिया था, तो एन डी पी एंड एम पी, इसमें जो डी वर्ड है वो क्या शो कर रहा है, डोमेस्टिक। मुझे इसको किसमें चेंज करना है, नेशनल में, तो प्लस डेप, तो ये बन जाएगा एन एन पी, तो प्लस डेप करेंगे ना, डेप्रिसिएशन। यहां देखो पहले कैरेक्टर पे हमारा काम हुआ था ग्रॉस से नेट, यहाँ पर सेकंड वाले कैरेक्टर पर है डोमेस्टिक से नेशनल, इसके लिए हम इसमें जोड़ेंगे एन एफ आई ए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये होती क्या है, हमारे देश के लोग बाहर काम कर रहे हैं, वो बाहर से पैसा हमको भेज रहे हैं, उसको बोलते हैं एफ आई एफ ए, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। मेरे देश में अंग्रेज, मतलब बाहर के देशों के लोग भी काम कर रहे होंगे अलग अलग उसमें, ठीक है, वो